वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर आल्सो सीन इन इंडिया। अब इसी तरह से जहां अभी हमारे एक तरफ जानवरों की बहुत अलग अलग प्रजातियां इंडिया में देखने को मिलती हैं, वहीं पक्षियों की भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। द डक, ईगल, पैरट, कॉमन मैना, पिजन, मैना एटसेट्रा आर द वेरियस स्पीशीज ऑफ बर्ड्स फाउंड इन इंडिया। बहुत सारी अलग अलग तरीके के बर्ड्स हैं जिसकी अलग अलग प्रजातियां हमारे यहाँ इंडिया में पाई जाती हैं। अमंग द मोस्ट फेमस बर्ड्स, पीकॉक द नेशनल बर्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बर्ड ऑफ ऑल। अब इसी तरह से जो हमारी नेशनल बर्ड है, यानी जो सबसे ज़्यादा फेमस है, पीकॉक जिसे हम मोर कहते हैं, वो हमारे यहाँ की सबसे खूबसूरत बर्ड मानी जाती है। इट्स अट्रैक्टिवनेस इज ड्यू टू इट्स ब्यूटिफुल फेदर्स। जिस समय वो अपने पंख फैलाते हैं तो उसकी जो कहते हैं ना खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, और वो अपना जो पीकॉक है वो सिर्फ इसीलिए जाना जाता है क्योंकि उसकी खूबसूरती जो है वो उसके फेदर्स में है। क्रेन्स एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज द हेवीएस्ट बर्ड ऑफ इंडिया आर द अदर अट्रैक्टिव बर्ड्स ऑफ इंडिया। क्रेन्स जो लगभग 1 से लेके 1.5 मीटर तक लंबी होती हैं, या जिसे बस्टर्ड घोड़ाड़ कहते हैं, ये सबसे भारी बड़ी चिड़िया हैं जो कि हमारे यहाँ के और दूसरी चिड़ियों में काउंट होती हैं, जो काफ़ी सुंदर मानी जाती हैं। द रेडी शेल डक जिसे सुरखाब बोलते हैं, ले देयर एग्स इन द सैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। अब सुरखाब जो हैं ये अपने अंडे जो रन ऑफ कच्छ की रेत होती है उसमें देती हैं। द क्योला देव बर्ड सेंचुरी ऑफ राजस्थान इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेंचुरी वेयर ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड्स आर फाउंड। सोचो, केला देव बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान की है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेंचुरी है, जहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा चिड़ियाँ पाई जाती हैं। द नाल सरोवर ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी तरह से गुजरात का जो नाल सरोवर है वो उन चिड़ियों के लिए फेमस है जो पूरी दुनिया से माइग्रेट होकर वहाँ आती हैं। फिश ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक द मैकेरल, लॉबस्टर, बॉम्बे डक, पॉम्फ्रेट, हेरिंग, सैल्मन, शार्क, डॉल्फिन आर फाउंड इन द ईस्टर्न वेस्टर्न सी कोर्ट्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से फिश की भी बहुत अलग अलग प्रजातियाँ जो हैं हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न सी कोर्ट्स जो हैं इंडिया के वहाँ मिलती हैं। प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अब सबसे पहले तो पानी ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। मेरली 2% ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कहने को इतना सारा पानी अवेलेबल है, लेकिन पीने लायक, ह्यूमन के इस्तेमाल करने लायक सिर्फ 2% पानी है अर्थ पे जो हम ह्यूमंस इस्तेमाल करते हैं। पोल्यूटेड एंड पॉइजनस वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर रैपिडली पोल्यूटिंग द अंडरग्राउंड वाटर। जो भी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे ये जो गंदा या जो जहरीला पानी निकलता है, ये क्या कर रहा है, बहुत तेज़ी से जो हमारे अंडरग्राउंड पानी है वो साफ पानी उसको ख़राब कर रहा है। दिस इज पोजिंग अ ट्रिमेंडस डेंजर फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स एज वेल एज द एनवायरमेंट। इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो रहा है सभी की जो जिंदगियाँ हैं उन पर, साथ ही साथ वातावरण पर भी। दस ऑल्टरनेटिव मीन्स टू रियूज पॉल्यूटेड वाटर मस्ट बी डिस्कवर्ड। अब इसीलिए कुछ ऐसे मेथड्स निकालने पड़ेंगे जिससे ये जो गंदा पानी है इसको दोबारा से रीयूज किया जा सके। स्कूल एंड कॉलेज करिकुलम मस्ट इंक्लूड फॉरेस्ट डेवलपमेंट रिलेटेड कंटेंट टू इनकल्केट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स। कोशिश ये करी जा रही है कि जो स्कूल और कॉलेजेस के जो सिलेबस हैं उनमें कुछ ऐसे फॉरेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको डाला जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें भी जागरूकता आए। सिमिलरली मेजर्स मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ठीक उसी तरीके से कुछ कदम ऐसे भी उठाने चाहिए ताकि जंगलों में ये जो आग लग जाती है उससे जंगल बहुत सारे जल जाते हैं उनको रोका जा सके, और खास तौर से जो उसमें जानवर पक्षी हैं वो सब झुलस जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है उनकी भी जान जाती है, साथ ही साथ पेड़ जल जाते हैं तो एक तरह से प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। तो ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे इन सबको उस जंगल की आग से बचाया जा सके। मिनरल्स आर नेचुरल गिफ्ट्स टू मैन। मिनरल्स ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नियामत है जो नेचुरल तौर पे हमें मिली है। इट इज अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड सो मस्ट बी यूटिलाइज्ड जुडिशियली। अब क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो भी बहुत सीमित मात्रा में अवेलेबल हैं, इसलिए हमें उनका इस्तेमाल भी सोच समझ के करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव मीन्स टू कंजर्व एंड प्रिजर्व मिनरल्स मस्ट बी फाउंड। फिर ऐसे मेथड्स निकालने चाहिए जिससे हम इन्हीं मिनरल्स को जो हमें मिलते हैं उनको हम संभाल सकें, संरक्षित कर सकें। मोटिवेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू री यूज मिनरल्स रिपीटेडली। फिर ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करो, जागरूक करो कि वो जो इन मिनरल्स हैं उनको बार बार रीयूज कर सकें।
कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन हैज एंडेंजर्ड मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, लगातार ये जो जंगल काटे जा रहे हैं इससे क्या हो रहा है, जो जंगली जानवर हैं उनकी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरे के निशान पे आ गई हैं। इनफैक्ट सर्टेन स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट इन सम फॉरेस्ट एरियाज, कुछ जंगल के इलाके ऐसे हैं जो खास तौर की प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो लुप्त हो गई हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स आर पोस्ट फॉर देयर स्किन, फेदर्स, बोन्स, हॉर्न्स, टीथ एंड इवन मीट। अब जानवर हो, पक्षी हो, उनका क्या होता है, उनको मारा इसीलिए जाता है कि उनकी जो खाल है, फेदर्स हैं, हड्डियां हैं, उनके सींग हैं, दांत हैं, यहाँ तक कि उनका मीट जो है उसको इस्तेमाल किया जा सके। इल्लीगल एंड मर्सीलेस किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स शुड बी कंट्रोल्ड, गलत तरीके से या बेरहमी से आप जो जंगली जानवरों को मार देते हैं उस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। सिटीजन्स मस्ट बी अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हर एक की इम्पोर्टेंस है, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हों, चाहे वो नॉर्मल एनिमल्स हों, चाहे इंसानों, हर चीज़ की एक इम्पोर्टेंस होती है और इसका जागरूक होना नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना शुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल, सही जानकारी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, जंगल के बारे में, वहाँ के पेड़ पौधों, पक्षियों, जानवरों के बारे में जो है वो लोगों को मिलनी चाहिए। सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क शुड बी डेवलप्ड, सेंचुरीज बनवानी चाहिए, नेशनल पार्क्स बनवाने चाहिए जहाँ पर ये जो जानवर हैं या पक्षी हैं इनकी प्रजातियाँ जो हैं वो सुरक्षित और संरक्षित करी जा सके। पीपल शुड बी मेयर अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ थ्रू नेचुरल एजुकेशन कैंप, इसी तरीके से नेचर एजुकेशन कैंप चलाने चाहिए जिससे लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस हो सके। तो ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।